आज भी मैं बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूंगा वैसे कल से मैं बेहतर हूं लेकिन फिर भी तो चलिए इसको देखते हैं कितनी कितना ज़्यादा जो मैंने लिखा है उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा काफ़ी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए गए लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा लेटेस्ट बिगिन सी यू टी पी जी थीम वाइज पास ईयर पेपर एनालिसिस इंडियन पॉलिटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी के पेपर जो यूजफुल होगा सभी एग्जाम के लिए आप यदि ये, ये सोच रहे हैं कि सर फिर क्यों कह रहे हैं अभी तो बस चार दिन बचे हैं या तीन दिन बचे हैं तो तीन यदि फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर आप तीन घंटे भी देते हैं जो कि आप लास्ट डे भी दे सकते हैं फोर्टी एट आवर में तो बहुत फर्क पड़ सकता है आपके लास्ट मिनट जो चांसेस हैं जो प्रेप की जो स्ट्रैटी है इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि आप इसको ज्वाइन कीजिए इसकी कुछ डिटेल यहां दी गई है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस ई मेल आई पे भेजिए पॉल साइंस हेल्प एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम और ये है गाइड्स uh, और रिसोर्सेज एम बुक और ये भी लास्ट 48 एट आवर सेवेंटी टू आवर में भी आपके चांसेस को काफी बढ़ा सकते हैं इसकी लिंक यहाँ दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्लिकेबल लिंक दी जाएगी अब आइए सीएटी पी जी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के उन क्वेश्चन को देखते हैं जो इंडियन पॉलिटी एंड कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड थे यहां मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो पेपर था इंडियन पॉलिटी का वो खासा टफ टाइप का था उसके कंपैरिजन में 23 का पेपर थोड़ा मॉडरेट था इसमें भी कुछ तो थे उठपटांग क्वेश्चन लेकिन

और इसको जो है आप चेंज कर रहे हैं यहाँ ऐसे एक डिलिमिटेशन कमेटी होती है और वो टाइम टू टाइम काफ़ी काफ़ी सालों पे होती है और जैसे नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन होगी वो 2026 20, के बाद जो सेंसस होगी उसके बेसिस पे जो डिलिमिटेशन की जाएगी काफ़ी दिन बाद होगी तो ये डिलिमिटेशन की एक कमेटी ऑलवेज बनती है जो फर्स्ट डिलिमिटेशन थी वो उस समय में तो कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं बना था पार्लियामेंट भी मतलब नई पार्लियामेंट का गठन भी नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट ने जो है इलेक्शन कमीशन के हेल्प से जो है डिलिमिटेशन को किया था तो यहां पे प्रेसिडेंट कहा जा सकता है लेकिन ये बहुत ही उठपटान क्वेश्चन है अभी ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन हो गया है क्योंकि जो वुमेन रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है उसमें डिलिमिटेशन से उसको जोड़ दिया गया है कि जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगी तब ये लागू होगा और ये आपको पूछा सकता है कि डिलिमिटेशन जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इतने आगे बढ़ा दिया गया वो वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था शायद एटी फोर्थ कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको जरा चेक कर लीजिएगा मैं मेमोरी से बोल रहा हूं जिसमें ये हुई थी कि अब जो अगली डिलिमिटेशन होगी जैसा मैंने आपको बताया वो टू ट्वेंटी के सेंसस के बाद जो परिणाम आएंगे जनगणना की उसके बेसिस पे कमेटी बनेगी तो वो आर्टिकल वो उस अमेंडमेंट को याद कर लीजिए और डेलीमिट्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है पार्टी अलायंस सिंस 1990 हैव बीन ऑन द टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी स्टेटमेंट 2 है बीजेपीज अलायंस ऑफ 98 99 2004 एंड 2009 वर नॉट टेरिटोरियली टेरिटोरियली कंपैटिबल अब ये स्टेटमेंट खुद जो है बहुत कन्फ्यूजिंग है कि ये टेरिटोरियल कंपेटिबिलिटी एंड आइडियोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी तो मैं मान सकता हूं कि बीजेपी एक राइट right विंग की पार्टी है तो वो यदि शिवसेना के साथ अलायंस करती है तो वो आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी है लेकिन यदि बीजेपी मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस करती है तो डेफिनेटली ये नहीं है तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्टी अलायंस सिंस 1990 हैव बीन ऑन टेरिटोरियल टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी रादर देन आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी मतलब कि यदि आप एक रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने मतलब गठजोड़ कर लिया टेरिटरी के बेसिस पे कि मैं इस एरिया में हूँ आप उस एरिया में स्ट्रांग है तो ठीक तो है मतलब इसको आप टेरिटोरियल कंपेटिबिलिटी को आप पढ़ सकते हैं कि प्रैक्टिकल uh, बेसिस uh, पे प्रैगमेटिक तो ये सही है मान लीजिए थोड़ी वेग है ट्रू और बीजेपी का अलायंस भी यदि दे, आप देखेंगे इन सब में वे आर नॉट टेरिटोरियली कंपेटेबल तो इसको आप क्या कहेंगे मतलब बीजेपी ने भी एक तरह का टेरिटोरियल कंपेटेबिलिटी क्या प्रैगमेटिक बेसिस पे किया कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पे तो हुई नहीं थी अलायंस आपको पता है कई पार्टियों को ऐसे जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से अलग थे उनको एनडीए में लाया गया था तो ये जो है नॉट जो है ये फॉल्स हो जाता है बट वे वेग क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन वेग है विच टू एमॉन्ग द फॉलोइंग डिड बी आर अम्बेडकर एज क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म इंडिया ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको बम करता है वेग है देखिए बी आर अम्बेडकर या राजा राम मोहन रॉय ये सब वो थिंकर थे या टैगोर भी जो पहले सोशल रिफॉर्म को ऊपर रखते थे पॉलिटिकल रिफॉर्म या पॉलिटिकल फ्रीडम से तो अंबेडकर जो हैं वो क्रिटिक थे उन लोगों के जो सोशल रिफॉर्म को नीचे रखते थे पॉलिटिकल रिफॉर्म से तो उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्मर आएंगे एंड सोशलिस्ट जो थे ऑफ कोर्स अंबेडकर भी एक टाइप के सोशलिस्ट थे लेकिन यदि आप हार्ड कोर सोशलिस्ट कहिए तो वो भी सोशल रिफॉर्म को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे तो इसलिए ये हो सकता है लेकिन यह सोशलिस्ट थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूंगा ये सब बहुत वेग है आप इसमें से और कोई चुन नहीं पाएंगे इसकी सही आंसर भी यही थी तो ये तीन क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यहां से जो है क्वेश्चन थोड़े आसान होने लगते हैं अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन राइट ऑर्डर तो इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं देना है कि यदि आप नहीं भी जानते हैं कि कौन से किस आर्टिकल में है वैसे तो ये 32 में है राइट टू लाइफ 21 में है राइट टू फ्रीडम 19 में राइट टू इक्विंटी 14 में आपको सब पता होना चाहिए तो आप देखेंगे ये केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए सबसे लास्ट में है 32। उससे बाद तो कुछ हो नहीं सकता है सबसे बाद में ये आया है तो ये इतना आसान हो जाता है केवल आप इसको यहाँ लाइए और मैच कर लीजिए तो इस तरीके से भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है ये रिट को जो रिट्स हैं डिफरेंट uh, जो फंडामेंटल राइट right को इस्टैब्लिश करने के लिए कोर्ट ऑर्डर इशू करते हैं उसको रिट कहते हैं उसको मैच करना है तो हैबिया कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी यदि किसी ने इलीगली डिटेन कर दिया और चाहे प्राइवेट पार्टी ने या गवर्नमेंट ने आपको अरेस्ट कर लिया हो तब है भी हैबियस कॉर्पस रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं लेकिन यहां बहुत मजेदार है कि केवल आपको एक ही से ये मैच कर जाता है मतलब आप देखिए कि एक ए का थ्री कॉर्पस टू हैवे बॉडी या प्रोड्यूस द बॉडी

या अपने यहां मंगवा लेता है लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को कि हम इसको जो है देखेंगे ओके okay, सो so, um, यहां पे जो uh, मैंने दिया है इंफॉर्मेशन जरूर देख लीजिएगा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पांचवीं इसमें रेट जो इसमें लिखी गई नहीं है वो प्रोहबिशन है जिसमें कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को स्टॉप कर देता है आगे की प्रोसीडिंग्स करने से जो बहुत स्पष्ट है इसके वर्ड में ही है एंड यहाँ 32 जो आर्टिकल और 226 दो आर्टिकल के तहत जो है रिट पिटीशन एक्सेप्ट किए जाते हैं इन दोनों की जो जुरिस्टिक्सन है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए थर्टी का बहुत नैरो है केवल फंडामेंटल राइट के लिए आप पिटिशन दायर कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन जबकि 226 का दायरा थोड़ा बड़ा है यहाँ पे आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट के हनन होने पे भी रिट पिटीशन आप दायर कर सकते हैं ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बिटवीन 32 एंड 226 यहां एजोसन है रिजर्वेशन ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर यस ये है आर्टिकल टू हंड्रेड आप पढ़ लीजिए मैंने यहां दिया है कि रख सकते हैं वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर का एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर इवन इफ द बिल इज पासड बाय द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दिस कुड बी अचीव थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल वन फिफ्टी सिक्स ऑफ इंडियन का एक तो पता नहीं अमेंडिंग क्यों लिखते हैं और ये आर्टिकल भी गलत इन्होंने दिया है आर्टिकल जो है टर्म ऑफ ऑफ द द ऑफिस गवर्नर है और ये बात है टू हंड्रेड में तो ये तो फॉल्स है और ये ट्रू है तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज इज करेक्ट बट आर फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट सब क्वेश्चन बहुत आसान होते जाता है क्योंकि मिनिमम एज गवर्नर का थर्टी फाइव ईयर है तो बी को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं तो बी यहाँ है इसी तरह से

ना तो कोई एक्ट पास हो जो अनकंस्टिट्यूशनल हो ना ही एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जो अनकंस्टिट्यूशनल हो जुडिशल रिव्यू इसके लिए होती है तो ट्रू है द सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 12 नो no, ये गलत है आर्टिकल 13 टू से जुडिशियल रिव्यू ड्रॉ करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पावर तो ये फॉल्स है वैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हु प्रिसाइड ओवर द क्वेश्चन सेशन ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है जो अच्छा है थोड़ा टफ जरूर है इस सेशन को जिसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी प्रिसाइड नहीं करता है सो नो वन और ये आर्टिकल एटी सेवन के तहत आता है और ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि ये स्पेशल एड्रेस हर आ, साल के फर्स्ट जब हाउस जुटती है तब होती है और पहली बार जब जब फर्स्ट सेशन आफ्टर ईस्ट जनरल इलेक्शन अभी जनरल इलेक्शन होगी हो तो जून में जब नई लोकसभा आएगी तो उस समय में पहला एड्रेस होगा और फिर हर साल के पहले जो सेशन जो शुरुआत होगी वहां पे होगी आर्टिकल 87 ये भी आसान है ये सब क्वेश्चन अब आसान होते जा रहे हैं यहां भी आपको केवल ये इधर डीपीएसपी है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल है ये बहुत घिसा बिटा क्वेश्चन होता है यहाँ भी आर्टिकल 50 केवल यदि आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो डी का थ्री केवल एक ही में है आपका क्रैक हो जाता है बाकी मैच कर लीजिएगा आर्टिकल टी टू अभी मैंने आपको बताया ये जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू सर्टेन रेट्स है और आर्टिकल 32 होता तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो जाता है द टर्म ऑफ द लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड टू सिक्स इयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वी ऑल शुड नो की ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो इमरजेंसी लगी थी उस समय से में सेवेंटी सिक्स में हुआ था एक साल के लिए बढ़ाया गया था द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट्स ओरिजिनल जुडिडिक फेडरल कोर्ट है फेडरल कोर्ट का मतलब यहां है कि जो फेडरेटिंग यूनिट है जिसको अपने स्टेट कहते हैं और जो सेंटर यूनियन उसके बीच के झगड़े दो और दो स्टेट के बीच के झगड़े इन सबको निपटाए ये आर्टिकल 131 के तहत जो है ये लिखित है मतलब इंसराइंड है तो इसके अलावा जो है आपको अपीलेट जोइ भी जानना चाहिए आर्टिकल 132 से 134 पे लिखा हुआ है और आर्टिकल 143 फोर्टी थ्रू एडवाइजरी जोइ है सुप्रीम कोर्ट का जहां पे कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर सुप्रीम कोर्ट से तो ये तीनों जोइ के आर्टिकल को आपको जानना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज डज नॉट कम अंदर यूनियन लिस्ट ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है वैसे आप इसको इलिमिनेशन से बेटर बना सकते हैं कॉरपोरेशन टैक्स इनकम टैक्स जो है एंड टैक्स ऑन कंपनीज कैपिटल ऑफ कंपनीज सब डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी कैपिटेशन टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है ये होता क्या मैंने लिख दिया है और ये टैक्स इंडिया में उसे जनरली लगता भी नहीं है

प्रोसीडिंग कैसे सेंसर होगा हाँ सेंसर मोशन पास होती है उसका भी इतने बार इतना कोई ऐसा रिकॉर्डेड भी नहीं कितने बार सेंसर मोशन पास हुआ है सेंसर मोशन क्या होता है कि आ, मतलब यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या किसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में ऐसी मोशन पास हो जाए कि इस मिनिस्ट्री ने ऐसा बहुत गलत काम किया एक तरह का झड़की देती हुई मोशन और वैसे कैसे पास होगी किसी गवर्नमेंट को यदि पावर में है तो वो कभी पास होने देगी नहीं तो पता नहीं इसका क्या इन्होंने क्या आंसर दिया था आई थिंक वेबल दिया था मुझे याद भी नहीं है और ये चैलेंज भी किया गया था इनवैलिड भी डिक्लेयर हुआ था इसलिए इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन है 2023 का इट हैज यहाँ भी इतना वेग है इट हैज बीन फाउंड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो और अजीब सा सेंटेंस और फिर अप्रोप्रियट मतलब चलिए कौन इसके बारे में सही है ये इसलिए आसान हो जाता है कि यहां देखिए चार में से तीन स्टेटमेंट सही है और पहला ही स्टेटमेंट द एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा आपको पता है बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि इमरजेंसी के ठीक बाद के इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई थी यदि इलेक्शन कमीशन नहीं सही काम कर रहा था वो सरकार के हाथों में कठपुतली होती तो शायद कुछ और भी हो सकता था तो इसलिए यही साबित करता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो ए को यदि आप हटा देंगे तो बी सी डी होगा वैसे आप बाकी पढ़ लीजिएगा इसमें टी एन सेसन का दौर था और उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी इज्जत काफी बढ़ा ली थी और बहुत ज्यादा वो रेगुलेटरी एक्टिविज्म शो करते थे जहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टी और इवन सत्ताधारी जो दल हैं वो सब उनसे एक तरह से काफी खौफ में जो है उस समय पार्टियां थी टीएन सेशन के इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन की वैसे इज्जत जो है एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी काफी बढ़ी अब आइए सी टी पी जी जिसके क्वेश्चन थोड़े टफ थे आ, वैसे कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी लगेंगे लेकिन कुछ थोड़े डीपर क्वेश्चन थे लेटेस्ट सी ए सीमेट्रिकल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इंक्लूड ए सीमेट्रिक फेडरलिज्म होता क्या है देखिए एक तो यूनियन है और इसके कई सारे जो है फेडरेटिंग यूनिट है इंडिया में अट्ठाइस स्टेट यूनियन टेरिटरी यदि ये सभी जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोविजन से यूनियन से रिलेशन रखते हो कोई किसी का कुछ अलग रिलेशन है किसी का अलग तो इसको एसिमेट्री कहते हैं दूसरी एसिमेट्री ये भी होती है कि जो पावर है स्टेट की और सेंटर की उस वो किधर झुका हुआ ज्यादा है तो इंडिया में जो है ये सभी जो फिफ्थ शेड्यूल है सिक्स शेड्यूल और आर्टिकल 371 सारे ए बी सी डी सभी जो है वो एमेट्री को दर्शाते हैं ये सब क्यों इसके बारे में हम थोड़ा हमने लिखा है पढ़ लीजिएगा आप कॉन्स्टिट्यूशन डॉट पी को ही पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ये बातें भी देख लीजिएगा सो ऑल विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डज नॉट कम विद इन द लेजिस्लेटिव जुडेक्शन ऑफ द स्टेट ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये कैसे आप याद रखेंगे कि 163, 32, 33, 34 में से कौन जो है 164 फोर स्टेट लेश लेर के जोशन में आएगा कि नहीं इसका सही आंसर है कि 164 मैंने यहां लिख दिया है ये स्टेट लेस्लेश के दायरे में आता है तो इसको यदि आप बाहर कर दे तो ये चारों ए बी सी डी तो लेकिन फिर भी आप थोड़ा Guess कर सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन रिजर्वेशन अब यहां से आर्टिकल आर्टिकल थ्री थर्टी मैंने यहां लिखा भी है इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था इन सबको थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ लेकिन डायरेक्ट जो है एस सी एस टी से जुड़ा हुआ केवल आर्टिकल थ्री थर्टी Who in the Constituent Assembly said that the doctrine of independence was not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super-legislature or super-executive? This mm -hmm. question is the answer it. That's all. Which of the following articles were not inserted by the 42nd Constitutional Amendment? लेकिन आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल ट्वेंटी ए राइट टू एजुकेशन देता है जो कि टू में आई थी और 86 सिक्स अमेंडमेंट से 2002 में कह लीजिए 31 ए जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से आई थी तो इन दोनों को छोड़ दे तो सी डी ई तो और इसको आपको पूछा जा रहा है कौन सा नहीं आया है तो ए और बी केवल दो ही तो आसान है मतलब तो इसको पिक करना आसान है यहां आके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ये दोनों नहीं तीन ए बी सी आसान विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को काफी परेशान किया था क्योंकि ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया था क्यों इनवैलिड हो गया था थोड़ा सा देखिए अगले स्लाइड में मैंने पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन को वहां रिप्रोड्यूस भी किया है Article 143 provides for the power of president to consult the Supreme Court. Uh, Article 143 provides for the power of president to consult Supreme Court. ये तो बिल्कुल सही है अभी हम लोगों ने देखा ये ठीक है. The opinion यहाँ पे देखिए जो गौर कीजिए तीन या चार सही हैं. The opinion of the Supreme Court is not binding. ये भी सही है. द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट सो रेफर ये भी सही है लेकिन ये आधा सही है बताएंगे क्यों द सुप्रीम कोर्ट वुड स्पेसिफिकली डिक्लाइन टू एंसर विथ रेफरेंस इफ इट इज इम प्रोपर इन एडवाइजेबल एंड अनडिजायरेबल इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस टाइप के स्टेटमेंट की इसको गलत कह सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन ये भी आधा सही है आधा गलत है इसलिए कुछ भी इसमें निकालना मुश्किल है कि क्या सही है क्या, सही है, क्या गलत है यदि अच्छा होता कि ये ए बी सी दे देते तो शायद सही भी होता लेकिन देखिए क्यों ऐसा है आगे चलिए बताते हैं इसलिए इनवैलिड हो गया यहां पे क्या है कि ये पढ़ लीजिएगा मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं इसमें ये कहता है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट है 143 में प्रेसिडेंट यदि कोई रेफरेंस देता है सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए और ना ही वो एडवाइस को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड है लेकिन यदि वो रेफरेंस आर्टिकल 131 के तहत दी जाए ये आर्टिकल कहता है जो कि ओरिजिनल जोरिस्टिक्शन है कोई फेडरल मैटर है तो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने के लिए बाउंड है शैल देगा ही वो इसलिए उसमें आप देखिए जो एक ऑप्शन था कि वो बाउंड नहीं है वो पूरी तरह सही नहीं है और बाउंड है वो भी पूरी तरह सही नहीं एक कंडीशन में बाउंड नहीं है दूसरे कंडीशन यदि 131 के तहत वो रिफरेंस है तो बाउंड है इसके चलते ये जो है पूरा क्वेश्चन इनवैलिड हो गया यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है यह आपको बताता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ बहुत कुछ कर सकती है यदि कॉन्स्टिट्यूशन डॉट पीडीएफ को आप डाउनलोड करें और उसमें कंट्रोल एफ करके लिखे पार्लियामेंट बाय लॉ तो आपको इतने सारे सर्चेज uh, मिलेंगे पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ भी कर सकती है इनफैक्ट एक बहुत जोकिंगली एक कहावत है इंग्लैंड में कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिक्लेयर ए मैन टू बी वुमेन एंड वुमेन टू बी मैन मतलब पार्लियामेंट एक्ट बना के कुछ भी कर सकती है तो उसी तरीके है पार्लियामेंट जो है एक्सटेंड कर सकती है ऑफ हाई कोर्ट का एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है दो और दो स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी को एलोकेट कर सकती है जैसे कलकत्ता की तुम जो है अनुमान निकोबार को देख लो एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर रजिस्टर सब कुछ कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट बाय लॉ जो है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कैसे होगा ये कर सकती है बहुत कुछ कर सकती है लेकिन जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती क्योंकि पता है इंडिया में जो है कॉलेजियम सिस्टम है जिसके तहत जजेस का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 124 के तहत पढ़ लीजिए तो इसीलिए ए बी सी टी विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम ट्वेंटी वन टू एटीन ईयर ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन एटी एट एंड द कंस्टीट्यूशन फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ये तो आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वही जिससे कि पार्लियामेंट का एक्सटेंड किया गया था एक साल तो एडेट थ्री वर्ड मैंने आपको बताया भी है सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी विच वॉज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीकिंग रिलीफ फॉर द अंडर ट्रायल प्रिजनर इंडिया तो पी की शुरुआत मानी जाती है हुसैन खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार नाइनटीन इसमें जो पी भगवती जो जज थे वो इसके चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है बेसिकली जैसे मान लीजिए कि आपको कोई परेशानी है कानूनी आपका कोई फंडामेंटल राइट right हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाते हैं लेकिन मान लीजिए कि आप एक सिटीजन है और आप देख रहे हैं कि एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों को उजाड़ दिया गया गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला के तो आप कोर्ट में उनके फंडामेंटल राइट right के अगेंस्ट मतलब वायलेशन के अगेंस्ट में रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं आपका कुछ लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट में आप केस दायर कर सकते हैं और कोर्ट सुनेगा इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं एज एस एन ए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस द सुप्रीम कोर्ट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ये दोनों बिल्कुल सही है और ये इसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी है और आपको पता है अभी फिर से बता दें आर्टिकल थर्टीन टू के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर ड्रॉ करती है कॉन्स्टिट्यूशन से द पॉर विद इन द सुपरवाइजरी एंड जुडिशियल इन नेचर इसका कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट जो है जुडिशियल फंक्शन भी करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी क्योंकि जितने लोअर कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट उन सबका वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी है ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट एंड ऑल रीजन है आर्टिकल टू ट्वेंटी सेवन वन गिव दाई कोर्ट पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल विद इन देयर टेरिटोरियल एंड कंस्टिट्यूशनल बिल्कुल सही है रीजन भी और तो ठीक है ए होगा ऑप्शन है मिनिस्टर्स एल होल्ड ऑफिसंगेजिडेंट बिल्कुल सही है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल पीपल दोनों सही है आर्टिकल सेवेंटी फाइव के तहत पढ़ लीजिएगा इसलिए ये भी ए ऑप्शन सही होगा ये भी ए फर्स्ट ऑप्शन

केवल 15 नहीं तो ए बी सी डी विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंडेड द पार्ट ए बी सी कैटेगरीज ऑफ स्टेट एंड इंप्लीमेंटेड द स्टेट रिओर्गनाइजन स्कीम ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कई स्टूडेंट इसको ठीक से जानते नहीं वो थोड़ा छुपा हुआ है सेवेंथ अमेंडमेंट 1956 जिससे स्टेट को रिओर्गनाइज किया गया उस समय स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमेटी आई थी फजल अली कमेटी कहते हैं उसके मेंबर्स का भी नाम हम याद कर लीजिएगा फजल अली उसके चेयरपर्सन थे उसके बेसिस पे ही चौदह स्टेट और छह यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे इसने दो शेड्यूल को ही मॉडिफाई किया था और जो पहले इस स्टेट की जो ग्रुपिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में ए बी सी डी उसको बदल के चौदह स्टेट और छह यूनियन टेरिटरी हो गई छह यू कर दिया था इसने जो है ये भी किया था कि एक गवर्नर जो है वो दो स्टेट को भी देख सकते हैं और एक ही कॉमन हाई कोर्ट दो स्टेट का हो सकता है सो सेवेंडमेंट विच प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाया गया था यूनियन में पटेल जी ने मिलाया था तो उन लोगों को एक पेंशन देने की व्यवस्था थी बहुत हेफ्टी पेंशन उनको पर मंथ या पर एनम दिया जाता था उसको प्रीवी पर्स कहते थे बैठे बिठाए के

हाउस एंड टेंडर ये तो म्यूनिस्पलिटी का होगा तो ये नहीं होगा आ, लेकिन आप यहाँ कन्फ्यूज कर सकते हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस क्या होगा इतना बड़ा सा काम तो यस ये है और ये आर्टिकल 243 जी में लिखा हुआ है तो जब आप शेड्यूल पढ़ते हैं तो इलेवेंथ शेड्यूल में पंचायत के क्या अधिकार हैं लिखा गया है उसमें उनतीस सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सब हैं और शेड्यूल 12 में जो है 18 सब्जेक्ट हैं जो उनके दायरे में आते हैं म्यूनिस्पलिटी के वो ट्वेल्थ शेड्यूल में लिखे हैं लेकिन इन दोनों शेड्यूल को आपको 243G के साथ पढ़ना है इलेवेंथ शेड्यूल को और 243W के साथ पढ़ना है ट्वेल्थ शेड्यूल को और 243G और 243W में ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि म्यूनिसपलिटी और पंचायत दोनों का ये काम है ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट वाटर मनी बिल मनी बिल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो मैंने यहां लिख दिया है इससे अधिक नहीं तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट क्या है द बिल डील्स विद ऑल द एनी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है द मनी बिल हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द स्पीकर तभी वो मनी बिल है द मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा राज्यसभा उसको केवल चौदह दिन रोक सकती है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इंजॉय इक्वल पावर नो 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 राज्यसभा को बहुत कम पावर इसलिए यह गलत है सो डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि 2022 में जो क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन थोड़े डीपर लेवल के थे लेकिन बाद में क्वेश्चन बहुत आसान होते गए ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज एजी पेपर लेटस सी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी आर इन इंडिया बहुत आसान क्वेश्चन उस समय में आठ होती थी अब तो घट करके छह रह गई है तो ये क्वेश्चन तो बदल गया है इसका जो आंसर है अभी जो नेशनल पार्टी आप देख सकते हैं बीजेपी कांग्रेस सीपीआईएम बीएसपी सीपीआईएम है ध्यान रखिएगा बीएसपी एनपीपी एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है और आम आदमी पार्टी जो लेटेस्ट इंट्रेंट है आम आदमी पार्टी है और टीएमसी सीपीआई और एनसीपी लूज कर चुके अपना टैग नेशनल पार्टी का ये सब पिछले साल हुआ है आर्टिकल 52 से 62 किसके बारे में है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया

जो घर ने ये दिया था बहुत कुछ कहा था अपने बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टूडेंट ऑफ नेशन में ये सब कोर्ट uh, देख लीजिएगा तो ग्रैंडविल ऑस्टिन इनफैक्ट ग्रैंडविल ऑस्टिन को एक तरह से पितामह माना जाता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने का उस बुक के थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ म्यूनिसिपिलिटी एंड अर्बन गवर्नेंस अभी हमने बताया ट्वेल्व शेड्यूल तो नाइन शेड्यूल क्या है आपको पता है लैंड रिफॉर्म एक्ट है इसमें टेंथ शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट इसमें है इलेवेंथ शेड्यूल जो है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत

ड्यूरेशन ऑफ द कंशन व्हाट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द कंशन वाले हैं सभी बच्चे टू ईयर इलेवन रहा एस आर बोमई और यूनियन वर्सेज एस आर बोमई केस जो है ये 1994 की बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक तरीके से के जद में ला दिया जो 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 आर्टिकल 356 की यूज होती थी सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट पे इमरजेंसी लगाने को ये सेंटर स्टेट के रिलेशन पे भी एक मेजर जजमेंट था और उसके बाद से काफी इस पे जो है कमी आ गई आर्टिकल 356 के यूज या मिस यूज पे सो पर्टेन टू आर्टिकल 356 पढ़ लीजिएगा सेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन तीनों लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट इसमें देख लीजिए कितने हैं यूनियन लिस्ट में हंड्रेड है पहले नाइनटी सेवन थे स्टेट लिस्ट पहले सिक्सटी सिक्स थे अब सिक्सटी वन हो गए कंकरेंट फोर्टी सेवन से फिफ्टी टू पांच जो आप देख रहे हैं स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर किए कंकरेंट में ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से हुआ था जैसे एजुकेशन फॉरेस्ट एंड ऑल इसके अलावा ये तीनों लिस्ट को एक बार ब्राउज कर लीजिएगा ये भी पूछा जाता है कौन स्टेट लिस्ट में है कौन सेंटर कौन कॉन्करेंट which article of the indian constitution of india contain the provision for financial emergency article 360 352 national emergency 356 state emergency abhi hum log ne dekha hai sar bombay case and 365 a state emergency on failure to comply with the directions from the union ये article को आपको 257 के साथ जानना चाहिए जिसमें ये लिखा है कि union जो है state को direction दे सकती है और यदि उस डायरेक्शन को ना माने तो आर्टिकल 365 सिक्सटी फाइव के तहत वहां इमरजेंसी लग सकता है हु ऑज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बी ऑल नो कि जवाहरलाल नेहरू तो इससे यह भी आपको क्लू मिलता है कि बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन है लेकिन फिर आ सकता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सब कमेटी बने थे यूनियन पावर कमेटी स्टेट कमेटी फंडामेंटल राइट कमेटी एंड ऑल उसके चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे ये सब जान लीजिए सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड था सेंट्रल स्टेट से इसमें पुंछी कमीशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट राजमंडार्यूरियस में कमेटी कमेटी एक बहुत क्यूरियस थी सेंट्रल स्टेट में, जो गवर्नमेंट जो एक स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने बना डाला था 1969 में इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज द प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा फिर से दूसरी बार पूछा जा रहा है आसान कुछ सो ओके डियर स्टूडेंट आई वेरी हैप्पी कि मैं इस सीरीज को पूरा कर पाया डिस्पाइट सम समूज यू नो Um, लेकिन फिर भी आई एम वेरी हैप्पी कि चलिए पूरा कर पाए हैं और आपको याद फिर से दिला रहे हैं अभी भी काफी वक्त है मोर देन 94, फोर फोर डेज का मतलब होता है मोर देन 40 आवर्स एंड 40 आवर्स में कितनी चीजें हो सकती है आप अंदाज लगा सकते हैं। अभी भी आपको मैं आह्वान करता हूँ कि आप ज्वाइन करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट तीनों पेपर वहां पड़े हुए हैं बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन उसको प्रैक्टिस करें और वहाँ 21 पेपर भी है लास्ट मोमेंट में आप 21 पेपर आप 21 वन आवर्स में कर सकते हैं और 40 आवर्स में रिवाइज करने के साथ में ज्वाइन करने के लिए आप अपने नेम टेलीग्राम मोबाइल नंबर पॉल्स एंड सेल्प एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम पर भेज सकते हैं और यदि आप नेट जे आर एफ या सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पी जी टी एस एस बी इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी नेम टेलीग्राम मोबाइल नंबर पॉल्स एंड सेल्प एट द रेट ऑफ पॉल्स एंड सेल्प डॉट इन पर भेज सकते हैं इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने को यदि वो जवाब एक दो लाइन में दिए जा सके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं फिर गुड विसेज मेरे सभी उन स्टूडेंट के लिए जो सीईटी पीजी दे रहे हैं शेयर योर क्वेश्चन थ्रू मेमोरी रिकॉल कीजिए यदि आप लोगों ने सब लोगों ने मिलकर ढेर सारे क्वेश्चन रिकॉल किए तो आई प्रॉमिस कि ट्वेंटी के रात में ही लेट नाइट में भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा मेमोरी रिकॉल जो हर साल मैं लाता हूं तब तक लिए विदा